बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 आज करेंगे। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 6 और 7 और 8 और 9 और ये 10 तक मेरे ख्याल से तकरीबन सेम है, मतलब तकरीबन सेम है, ठीक है। इसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँगा। हाँ, अगर हम कोई छोड़ दे तो आप बेशक आप हमको कमेंट करें, कोई सवाल हम छोड़े आपको फिर नहीं आता तो कमेंट करके हम आपके लिए वो करवा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जेड वन इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस, ये गिवन है, ठीक है, माइनस अंडर रूट थ्री, और जेड टू इज इक्वल टू फोर प्लस अंडर रूट माइनस फोर। अब ये रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड को देखे, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है मैं जो हमने मालूम करना होगा, जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू सुपर बार, ठीक है। अब हमने इसको मालूम करना है तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने, लेकिन मतलब इसमें आयोटा नहीं है तो इसमें आयोटा पुट करना होगा। किस तरह करेंगे देखिए, जेड वन इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस अंडर रूट माइनस थ्री, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए माइनस थ्री माइनस अंडर रूट माइनस वन क्रॉस थ्री, ठीक है, थ्री वन जो थ्री और फिर माइनस इससे वही आता है, इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस थ्री माइनस आयोटा अंडर रूट माइनस वन की जगह हमने आयोटा फुट कर लिया है, क्योंकि हमको पता है कि अंडर रूट माइनस वन किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, ठीक है। अब देखें इसको, अब जेड टू इज इक्वल टू फोर प्लस अंडर रूट माइनस फोर, ठीक है, इज इक्वल टू फोर प्लस, अब देखिए अंडर रूट माइनस वन क्रॉस फोर, इससे वो भी माइनस फोर आता है, ठीक है, और फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फोर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, तो ये तो आयोटा हो गया। अब अंडर रूट फोर जब हम लेंगे तो ये टू हो जाता है, अंडर रूट फोर से हमारे पास टू आ जाता है। अब नाउ, अब यहाँ पर हमारे पास जो जेड वन और जेड टू है वो ये है, जेड वन इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री, और जेड टू इज इक्वल टू फोर प्लस टू आयोटा, ये जेड वन है ये जेड टू है। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड जो है उसको प्रूफ करना होगा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्या है, जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री प्लस फोर प्लस टू आयोटा। अब वही तरीका है कि रियल को रियल और इमेजिनरी के मतलब जिसके साथ आयोटा हो उसको आयोटा के साथ ले जाएंगे, ठीक है। अब माइनस वन इधर प्लस फोर है तो इस तरफ लाएंगे हम, प्लस फोर और माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री प्लस टू आयोटा, ठीक है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, शट ये थ्री है, सो ये जेड वन, ये माइनस, ये देखिए माइनस थ्री है, मैंने माइनस वन लिखा है, सॉरी जी, ये माइनस थ्री, ठीक है, माइनस थ्री माइनस आयोटा, हाँ ठीक है, बिल्कुल माइनस है, नज़र उस तरफ चली गई। अच्छा अब प्लस इंटू माइनस, माइनस करेंगे देखिए निशान बड़े का लगेगा, ठीक है, वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री प्लस टू आयोटा, ठीक है। अब इस इन दोनों में देखें तो आयोटा हमारे पास इसमें कॉमन है, वन प्लस अंडर रूट थ्री माइनस टू, ये आयोटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास जेड वन प्लस जेड टू आ गया। ये हमारे पास, आप इसको इक्वेशन नंबर वन दे दे या टू दे, मैं इसको वन देता हूँ, ठीक है। नाउ अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, उससे भी यही आएगा, ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहां पर जो जेड वन का बार प्लस जेड टू का बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब अलग अलग का मतलब है कि इनमें हमने चेन लाना होगा, क्या जेड वन हमारे पास होगा माइनस थ्री प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री, और जेड टू होगा, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या चेन लाया, फोर माइनस टू आयोटा, देखे इधर फोर माइनस था, इधर थ्री प्लस, इधर फोर माइनस है, इधर क्या है फोर प्लस है, देखिए फोर प्लस है, देखिए आप देख सकते हैं इधर फोर प्लस है, हमने जब अकेले में आ जाता है तो इसकी जो अंदर जो ये वाला होगा जो बड़ा वाला, इसको इसका जो साइन होगा वो चेंज होगा, ठीक है, जब अकेले में ये बाहर आ जाता है, ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। मतलब इधर क्या था, देखिए इधर जेड वन क्या था, माइनस थ्री माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री, अब इस यहाँ माइनस को प्लस हो जाएगा, जब अकेले में बाहर लगाया जाता है तो इसको प्लस किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब वही तरीका, जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है, अब ये जेड वन है माइनस थ्री माइ प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री, और प्लस फोर माइनस टू आयोटा,
ठीक है, माइनस थ्री प्लस फोर प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री प्लस टू आयोटा। तरीका वही, प्लस इंटू माइनस, माइनस करेंगे लेकिन निशान बड़े का लगेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस करेंगे निशान बड़े का लगेगा। अब देखे इसमें और इसमें और इसमें आयोटा भी कॉमन है, अंडर रूट थ्री माइनस टू, ये आयोटा हमने इसे कॉमन ले लिया, ठीक है, आयोटा हमने इसमें इसमें और इसमें आयोटा कॉमन है, ठीक है, प्लस आयोटा हमने लिया तो प्लस ले तो माइनस हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट ए माइनस टू आयोटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो था वो बराबर आ गया राइट हैंड साइड की, अगर देखिए वन प्लस अंडर रूट थ्री माइनस टू और वन प्लस अंडर रूट थ्री माइनस टू, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसमें जो कि इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब वो